मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च आ गया था, और हमने देखा था कि कैसे राजा की जो शक्तियाँ थी उनको क्या कर दिया गया था, लिमिटेड कर दिया गया था, मिनिमाइज कर दिया गया था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आगे क्या करेगा राजा, क्योंकि राजा की जो पावर्स थी उनको लिमिटेड कर दिया गया था, उनको पावर्स को मिनिमाइज कर दिया गया था, तो राजा क्या था, परेशान था। अब राजा चाहता था किसी भी तरीके से मेरी जो शक्तियाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दी हैं, लिमिटेड कर दी हैं, वो दोबारा से शक्तियाँ किसके पास किसको मिल जानी चाहिए, मुझे मिल जानी चाहिए। क्लियर है? तो इसके लिए राजा क्या करता है वो देखिएगा कि लुई 16 सीक्रेटली प्लान एंड ओवरथ्रो नेशनल असेंबली। वो क्या प्लान करता है कि जो नेशनल असेंबली बनी है उसको किसी भी ना किसी तरीके से क्या करना है, उसको ओवरथ्रो करना है, ओवरथ्रो करने यानी कि हटाना है वहाँ से। क्लियर है? विद द किंग ऑफ परेशिया। वो क्या करता है, वो परेशिया के किंग के साथ मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि जो लुई 16 था उसकी हेल्प परेशिया का किंग क्यों करेंगे? तो देखिएगा बेटा, परेशिया के किंग को भी क्या था, डर था इस चीज़ का कि जैसा अभी क्या हूँ कहाँ हुआ है, फ्रांस के अंदर हुआ है, हो सकता है आगे जाके कहाँ हो, आगे जाके परेशिया में हो जाए। क्लियर है? तो ये सारे जितने भी देश थे जो किसके मोनार्च के अंदर में आया करते थे, ये सारे देशों को क्या था, डर था। क्लियर है? और वैसे भी जो राजा राजा थे इनमें आपस में संबंध भी थे, है ना, आपसे रिलेशंस भी थे, तो इसलिए भी ये परेशिया के किंग ने क्या किया, सपोर्ट किया किसको, फ्रांस के किंग लुई 16 को, क्या करने के लिए, नेशनल असेंबली को ओवरथ्रो करने के लिए। तो उन्होंने एक सीक्रेटली प्लान बनाया, और सीक्रेटली प्लान क्या बनाया कि लुई 16 ने कहा कि आप अपनी आर्मी प्रशिया किंग से कि आप अपनी आर्मी लेके कहाँ आइएगा, फ्रांस में आइएगा, और फिर नेशनल असेंबली को वहाँ से ओवरथ्रो करा दीजिएगा। क्लियर है? तो इस तरीके का इनका क्या था, एक इन्होंने प्लान सीक्रेटली प्लान बनाया क्या करने का, नेशनल असेंबली को वहाँ से हटाने के का। क्लियर है? इसके साथ साथ अदर नेबरिंग रूलर्स आल्सो हेल्प्ड हिम। कुछ और भी रूलर्स थे, उन्होंने भी इसकी हेल्प की, जैसे कि ऑस्ट्रिया जो देश था उसने भी क्या की थी, हेल्प की थी किसकी, लुई 16 की, क्या करने में, नेशनल असेंबली को हटाने में। तो ऑस्ट्रिया को आप लोग पता है कि ऑस्ट्रिया ने क्यों की होगी हेल्प, क्योंकि ये क्या थे, ऑस्ट्रिया के क्या थे, दामाद थे, क्योंकि इनकी शादी कहाँ से हुई थी, ऑस्ट्रिया से हुई थी, मैंने बताया था आपको। तो ये कुछ रीजन थे इस तरीके से लुई 16 क्या कर रहे थे, सीक्रेटली दूसरे देशों के साथ में मिलकर क्या करना चाहते थे, अपने देश के अंदर से नेशनल असेंबली को हटाना चाहते थे। लेकिन ये ऐसा करते, अब इस चीज़ की खबर किसको लग गई, नेशनल असेंबली को लग गई। तो ये ऐसा करते उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, बट बिफोर दिस कुड हैपन, ये ऐसा कुछ होता, ये मतलब परेशिया और ऑस्ट्रिया की जो फोर्स थी वो कहाँ आती, फ्रांस आती, फिर नेशनल असेंबली को हटाती, तो ये सब करने से पहले ही क्या हुआ, बट बिफोर दिस कुड हैपन नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द परेशिया एंड ऑस्ट्रिया। नेशनल असेंबली ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग क्या करेंगे, वॉर करेंगे किसके साथ में, परेशिया के साथ में और ऑस्ट्रिया के साथ में। समझिएगा तुम्हारा ध्यान से कि लुई 16 दूसरे देशों के साथ, परेशिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि आप अपनी फोर्स हमारे यहाँ लेके आओ फ्रांस में, और नेशनल असेंबली को वहाँ से हटा दो, और जब नेशनल असेंबली वहाँ से हटी जाएगी तो पूरी शक्ति किसके पास में आ जाएगी, राजा के पास में आ जाएगी, और फिर राजा के पास दोबारा से वहाँ पर मोनार्ची लागू हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन वो ऐसा करते इससे पहले ही नेशनल असेंबली, उससे भी यह चालू निकली, नेशनल असेंबली ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने वो ऐसा करते उससे पहले ही क्या डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग वॉर करेंगे किसके साथ में, परेशिया के साथ में, और किसके साथ में, ऑस्ट्रिया के साथ में। क्लियर है? अब इन्होंने क्या कर दिया वॉर के लिए, डिक्लेयर कर दिया वॉर, जिसमें कि उस वॉर में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जॉइन द आर्मी, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, यानी कि जो लोग आर्मी में नहीं थे फिर भी वो लोग उन्होंने जाकर आर्मी ज्वाइन की। वो आर्मी ज्वाइन क्यों की, क्योंकि लोगों का सोचना था कि हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि नेशनलिज्म की भावना थी लोगों के अंदर। क्लियर है? और लोग चाहते थे कि जब जैसे फ्रांस के अंदर से क्या खत्म हो गया, मोनार्च खत्म हो गया है, ऐसे ही कहाँ से, परेशिया से, ऑस्ट्रिया से, पूरे में से क्या हो जाए, मोनार्च खत्म हो जाएगा, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। क्लियर है? ऐसा इनका लोगों को सोचना था, इसलिए बहुत सारे थाउजेंड वॉलंटियर्स ने क्या किया, पार्टिसिपेशन किया किसमें, इस वॉर में, है ना, उन्होंने ज्वाइन की किसको, आर्मी को। दिस सॉन्ग आ मार्सलीज। मार्सलीज क्या है, यहाँ पे आपको ये समझना है, ये मार्सलीज क्या है, मार्सलीज फ्रांस का नेशनल एंथम है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे यहाँ का नेशनल एंथम क्या है, जनगणमन, है ना, ऐसे ही वहाँ का नेशनल एंथम क्या है, मार्सलीज है, है ना। अब क्वेश्चन कई बार वर्ण वर्ण में ये पूछता है कि हु रोड द मार्सलीज, ये गाना किसने लिखा, तो इसका आंसर है रॉगेट डी इजले।
रॉकेट डी इजले ने इसको लिखा था। तो एक मन में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो हु रोड द मार्सलीज, तो आंसर है इसका रॉकेट डी इजले। क्लियर है। अब इस गाने का नाम मार्सलीज क्यों पड़ा, उसके पीछे रीजन क्या है कि संग बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम द मार्सलीज, कि ये जो वॉलंटियर्स जब जा रहे थे, तो मार्सलीज क्या है, फ्रांस में जगह है, तो ये वॉलंटियर्स उस जगह से होते हुए निकले थे, तो वहाँ पर ये इस गाने को गाते हुए निकले थे, तो इसलिए इस गाने का नाम क्या पड़ गया, मार्सलीज पड़ गया। एक सिंपल सी स्टोरी है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने समझ में आया कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कैसे जो राजा था वो क्या करना चाहता था, सीक्रेटली प्लान कर रहा था किसके साथ में, दूसरे देशों के साथ मिलकर क्या करने का, नेशनल असेंबली को हटाने का। लेकिन नेशनल असेंबली ने क्या किया, इसके कुछ करने से पहले ही क्या डिक्लेयर कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। उस वॉर के अंदर वॉलंटियर्स ने क्या किया, आर्मी को ज्वाइन किया और उन्होंने एक गाना गाया मार्सलीज। मार्सलीज वहाँ का क्या नेशनल एंथम है, जो उसने लिखा था रॉकेट डी इजले ने लिखा था। क्लियर। मार्सली का नाम मार्सली क्यों पड़ा है, क्योंकि वहाँ से इसको गाते हुए निकले थे। क्लियर। इतना समझ में आ गया। रेवोल्यूशंस फर्दर आगे देखते हैं। रेवोल्यूशंस फर्दर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी, क्योंकि देखिएगा अभी लोग क्या थे, अभी जो लोअर स्टेटा था सोसाइटी का, यानी कि अभी जो वोटिंग डालने का अधिकार था वो भी अभी भी क्या था, सारे सिटीजन्स को मिल गया था, नहीं सारे सिटीजन्स को नहीं मिला था, किनको मिला था, एक्टिव सिटीजन्स को। तो जो पैसिव सिटीजन्स के लोग थे वो अभी भी क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे किस चीज़ की, कि उनको भी क्या मिलनी चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, उनको भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। तो रेवोल्यूशंस फर्दर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी राइटिंग वोट टू द वीकर सेक्शन, यानी कि जो वीकर सेक्शन था वो भी क्या कर रहा था, डिमांड कर रहा था किस चीज़ की, वोटिंग की राइट्स की। क्लियर है ना। और इसी चीज़ की डिमांड करते करते इन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। क्लब्स का मतलब होता है ग्रुप बनाना, अपने पॉलिटिकल ग्रुप बनाना। क्लियर है। पॉलिटिकल क्लब्स बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और उन्हीं पॉलिटिकल क्लब्स में से जो सबसे फेमस क्लब था उसका नाम था जैकोबिन क्लब्स। सबसे फेमस क्लब कौन सा था, जैकोबिन क्लब्स। आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे, जैकोबिन क्लब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा यही रहेगा कि कैसे फ्रांस मोनेट्स से रिपब्लिक बना, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जैकोबिन क्लब्स क्या थे और जैकोबिन क्लब्स का क्या रोल रहा फ्रांस में को रिपब्लिक बनाने में। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं।